वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में, जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज़ को हम लोगों के द्वारा सर हम खाना चाय पानी बेचते हैं, बोले की सेवा में लगे हुए हम भी। और जी हमारे जो मतलब जो बैनर लगाने के लिए हमें सरकार ने आदेश दिया है, अपने नाम का बैनर लगाइए, फोटो लगाइए अपने नाम का उस पर, और अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, किसी भी चीज के मतलब बोले के साथ में कोई दुर्व्यवहार ना होना चाहिए, क्योंकि आज तक बहुत से लोग ऐसे मामलन भी ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी हमारे भोलेनाथ की यात्रा है, इसको अच्छे से चलाएंगे और अच्छी से सेवा करेंगे जी। तो आप इस बैन को, इस आदेश को कैसे देख रहे हैं, पालन कर रहे हैं? हाँ जी, पालन करेंगे। अपने नाम का सत्यापन बनवाया है हमने, कनकल थाने से अपना साइन करवाया है, मोहर लगाया हुई है, सब चीज अपने घर तक का एड्रेस दे रखा है जी। अन्य राज्यों में भी ये शुरू हुई है बैन? हाँ जी, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर साइड में इधर सारे में ये बैनर की सुविधा दी गई है सबको, सबके साथ सबका विकास हो रहा है। अच्छा, आदेश दिया गया है प्रशासन द्वारा, क्या आदेश है? वो आदेश है कि अपने नाम की लिस्ट लगाए, बैनर बनवाए, उस पर अपना फोटो लगाए, जिससे कि लोग जो अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदल देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं इस पहल को? इस पहल को अच्छे तरीके से नजरिए से देखते हैं और अपने उसको चलेंगे ईमानदारी के साथ। तो लोग पहचान छुपाकर सामान देखते हैं, उनके लिए देखो गलत है, इससे उनके लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अपनी पहचान क्यों छुपाओ, तो ऐसा चलेगा। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन हैं ये करने वाले? क्या एक एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते, ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है।